बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स ऑफ फाइव क्लास। हमने चैप्टर नंबर 7 जो ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट जो आज हमने करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 है, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, अगर हम किसी भी कोई भी फिगर उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं और उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसके जो पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्केयर। स्केयर का हमने एरिया भी फाइंड करना है एंड पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो हमें लेंथ उसकी क्या दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेरीमीटर ऑफ जो स्केयर का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्केयर, स्केयर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड यूनिट। ठीक है, 4 × साइड यूनिट। तो इसमें अब 4 साइड यूनिट हमारे पास क्या है, मतलब 3 साइड क्या है उसकी, एक साइड हमें दी हुई है लेंथ, तो ये एक साइड दी हुई है, तो ये साइड 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका, लेंथ हमें दी हुई, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 3/4 × 12 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्केयर, स्केयर की हमें एक साइड दी हुई है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि स्केयर के जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर हम स्केयर बना रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरह एक छोटा सा हम स्केयर बना, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये सारी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर, और नीचे भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इसी का हमने फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड और साथ यूनिट का स्क्वायर आ जाएगा, साथ क्या आएगा, यूनिट का स्क्वायर। तो साइड हमें 3 दी हुई है मीटर, 3 दी, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा, 3×3=9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है। आप लोगों ने जितने भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट, जितने भी पार्ट हैं आप लोगों ने करने हैं, तो ये सेम ही क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ द स्केयर का फार्मूला होता है 4 × साइड, मतलब जो हमें यहाँ पर साइड दी होगी ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द स्केयर। तो नेक्स्ट हम फाइंड कर अगर करते हैं एरिया ऑफ द स्केयर, एरिया ऑफ स्केयर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और यूनिट का स्केयर, मतलब साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ जो यूनिट है उसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब ये साइड हमारे पास 3 थी, मतलब दूसरी भी 3 होगी, स्केयर के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो 3×3=9 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है 8, वो हम कर लेते हैं। तो वो कहता है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला लिखना है आप लोगों ने, पेरीमीटर ऑफ स्केयर, स्केयर का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 4 × साइड, तो एक साइड हमें दी हुई है, तो 4 × 3.6। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 3.6 करते हैं तो कितना आता है, 14.4 मीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट
एट है, ठीक है। इसका अगर हम फाइंड करते हैं स्क्वेयर, ठीक है, तो स्क्वेयर क्या आ जाएगा, स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वेयर, एरिया ऑफ स्क्वेयर का फार्मूला साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड यूनिट का स्क्वेयर। तो साइड हमारे पास 3.6 है, मल्टीप्लाइड बाय 3.6 कर देंगे और सेंटीमीटर का स्क्वेयर साथ आ जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.6, अगर हम इसको 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 तो आंसर आता है 12.96। इतना आ जाएगा 12.96 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर वन के जितने पार्ट दो मैंने करवा दिए, जितने भी पार्ट रहते हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने, ये बिल्कुल सेम ही मेथड है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टू इसका पार्ट वन है, ठीक है। इसमें हमने वो कहता है कि फाइंड द पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर वन है लेंथ, लेंथ में दी हुई 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर टू का जो पार्ट वन है उसमें लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है पैरीमीटर। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड करना चाहते हैं, पहले एरिया कर लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 96 का स्क्वायर। तो आगे हम फाइंड करना चाहते हैं इसका पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो 2 इंटू लेंथ हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। 12 के अंदर 8 ऐड करें तो कितना बनता है 20, 2 इंटू 20 सेंटीमीटर, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका पैरीमीटर। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, ठीक है, बिल्कुल सेम ही है। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका फार्मूला याद करना है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, और लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा उसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया लेंथ हमें 12 दी हुई है और ब्रेड्थ हमें दी हुई है 8, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड 2 इंटू 12 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20
20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 40, ठीक है। तो हमारे पास जो पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का वो 40 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जितने भी पार्ट बाकी रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 हमने किए हैं और 4-5 जो है वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों ने कंप्लीट अपनी नीट कॉपीज के ऊपर उतारनी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।